हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नु क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम आपको एम्ब्रॉयडरी में फेदर स्टिच का मोटिव करना सिखाएंगे। यहाँ पे हम ऊपर में इस तरह से सुई को नीचे से निकालेंगे और थोड़ा दूर यहाँ पे आकर के नीचे स्टिच लेंगे और साइड में थोड़ा सा बगल में यहाँ पे नीचे यहाँ पे सुई को निकालेंगे और अब दूसरा साइड में ले करके सुई को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे लास्ट में जहाँ पर है वहाँ पे ही स्टिच लेंगे और ये सूता है इसको सुई के इधर ही रखेंगे और इस तरह से निकालेंगे। इसके बाद थोड़ा दूर पे फिर यहाँ पे स्टिच लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा में स्टिच लेना है। इसके बाद फिर इस साइड तिरछा में स्टिच ले करके और यहाँ पे जहाँ पे एंड है वहाँ पे निकालेंगे और ये धागा को इधर सुई के इधर ही रखेंगे और इस तरह से निकालेंगे। फिर यहाँ पे नीचे ले जाएंगे और तिरछा यहाँ पे स्टिच लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ दूसरे साइड में तिरछा स्टिच लेकर के और यहाँ पे वापस यहाँ पे ही स्टिच लेंगे और ये देखिए धागा को इधर ही रखेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। फिर नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जा करके साइड में इधर तिरछा इस तरह से स्टिच लेंगे। इसके बाद दूसरा साइड में तिरछा स्टिच ले करके और यहाँ नीचे में वापस यहीं पे निकालना है और देखिए धागा को इधर इस तरह से रखेंगे और फिर नीचे यहाँ पे स्टिच करेंगे थोड़ा दूर पे। इसी तरह से बार बार यही प्रोसेस में करते जाना। यहाँ पर इस साइड स्टिच लेंगे और वापस यहाँ पे ही निकालेंगे और धागा को इधर रखेंगे। फिर थोड़ा नीचे स्टिच लेंगे और ऊपर में तिरछा इस तरह से स्टिच लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से वापस यहाँ पे ही स्टिच लेना है और फिर सूता को इधर रखेंगे और इस तरह से स्टिच लेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी तरीका से समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये फेदर स्टिच बन गया है। आप भी इसी तरह से ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।